कितना कुरकुरी हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। ये देखें बिल्कुल सारे लेयर अलग हैं। ये देखें, नमस्कार, वैष्णवी जी लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम पैटीज बनाएंगे, इसे बेक भी करते हैं और चाहे तो डीप फ्राई कर लें। इसकी फिलिंग कई तरह से बनाते हैं, जैसे मटर के साथ, पनीर के साथ, आलू, जैसे चाहें अपनी मनपसंद फिलिंग इसमें भर लें। उसके लिए पहले हम डो लगाएंगे। मैदा है लगभग 250 ग्राम है, इसे छान लिए हैं। इसमें घी डाल देंगे, घी, बटर, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, 4 चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक कम ही डालें। इसमें हम मसाले वाली फिलिंग भरेंगे तो उसमें भी नमक रहेगा, इसलिए नमक हिसाब से डालें। आधा चम्मच अजवाइन ले लिए हैं, जो क्रश करके डाल देंगे हाथों से, इस तरीके से मिलाएंगे। बाजार से तो आप खरीद सकते हैं, पर अपने घर पे एकदम शुद्ध बनता है। अच्छी तरह से मिला लिए, मोयन लग गया, आप ऐसे मुट्ठी बांधें, हल्का सा ऐसे भर भरा हो जाए मुट्ठी, जब आप खोलें इतना मोयन डालें। लगभग आप अगर 250 ग्राम मैदा ले रहे हैं, 50 या 55 ग्राम ही इसमें घी या ऑयल कुछ भी डाल रहे हैं, उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाएंगे, ना बहुत टाइट और ना ही नरम, मीडियम लगाएंगे, रोटी की तरह। आटा तैयार हो गया है, ऐसे आटा होना चाहिए। 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक ये रेस्ट करके तैयार हो जाएगा। इतने हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया, इसमें करी पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा पक जाने देंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, मेथी दाना आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, इसे थोड़ा सा पकने देंगे। 5-6 लहसुन के कलियाँ, जो हम इसके बारीक बारीक इसको काट लिए हैं, इसको डालेंगे। अदरक इसे घिस लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं, इसे हल्का सा पका लेंगे। 1 हरी मिर्ची है, इसको डाल देंगे। आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो एक आधा और डाल लें। ये मसाले जैसे पक जाए उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं। थोड़ा सा पक गया है, मटर डालेंगे हम, मटर की स्टफिंग बनाएंगे। थोड़ा सा मटर पक जाए उसके बाद और मसाले भी ऐड करेंगे। मटर हल्का सा नरम हो जाए उसके लिए हम 1 चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ नरम होने के लिए ही डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें। मटर नरम होते तक इसे ढकेंगे लगभग 4 मिनट तक, और गैस के फ्लेम मीडियम रखें, नहीं तो मटर जल जाएगी। 3-4 मिनट हो गए, एक मटर दबा कर देखते हैं, मटर नरम हो चुकी है। मटर में पानी न रहे, बहुत कम पानी डालेंगे आप तो मटर नरम भी हो जाएगी और पानी नहीं रहेगा, सूख चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें हम 2 आलू डाल देंगे, जो अच्छी तरह से धोकर उबाल कर छिलका उतार लिए हैं, हाथ से तोड़कर ही डालेंगे। इसे भी मिला लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, आप मिर्च अपने अनुसार डालना, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डाले हैं और एक गरम मसाला डाल दे रहे हैं। गरम मसाले में भी काली मिर्च होती है, 1/2 छोटा चम्मच डाल दिए हैं। मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे नहीं खाते हैं। ये आमचूर पाउडर है, 1 चम्मच भर के डालेंगे। अब सारे मसाले मिला लेंगे अच्छे तरीके से। ज़्यादा बारीक करना हो तो 1 चम्मच लें, ऐसे मैश कर देंगे। थोड़ा सा मटर भी मैश हो जाएगी और आलू भी, ज़्यादा बारीक नहीं अच्छा लगता है, इस तरीके से। इसमें हरी धनिया की पत्ती डालकर मिला लेंगे।
स्टफिंग तैयार हो गई, निकाल लेंगे। पेटीज में अच्छा लेयर बनाने के लिए इसमें हम मैदा डाल देंगे। पहले हम बता दें कि आप इसके लिए घी बटर ले सकते हैं, या तो आप जो वनस्पति आता है जिसे डालडा बोलते हैं उसे भी ले सकते हैं, उससे बढ़िया बनता है। रिफाइंड ऑयल से सही नहीं बनता है। इसमें इतना मैदा डाल देंगे, लगभग ये मैदा 5 चम्मच है। अच्छी तरह से इसे फेट लेंगे। इसे फेट कर तैयार कर लिए। आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा और मसल लेंगे। इसको ऐसे रोल कर लिए। आप चाहें तो चकला पे इसे रोटियां की तरह बेल के बना लें, चाहे किचन काउंटर पे बना लें, बिल्कुल ये साफ है। इस पे रख लेंगे। तो इसमें हम तेल लगा लिए ताकि चिपके ना। इसको आसानी से बेल लें। इस तरह से बढ़ा लेंगे, बड़ा सा बेल लेंगे। इसको हम इस तरह से बेल लिए, पतला कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखें, ऐसे पतला सा इसे बेल लें। अब इसको हम बराबर से साइड साइड का, थोड़ा मोटा भी है, और ऐसे बराबर करके काट लेंगे। इस आटे को अभी हम दोबारा से यूज कर लेंगे। चारों तरफ से निकाल दे रहे हैं, दोबारा से बेलन चला दे रहे हैं, बिल्कुल पतला हो जाएगा। और जो ये मैदा का हम फेंट के रखे थे ना घी डालकर, इसको हम इस पे लगा देंगे। बराबर से लगा देंगे सब जगह। जितना बढ़िया सही से लगा देंगे ना, उतना बढ़िया इसमें सारी लेयर आएंगी और लेयर खुल भी जाएंगी। ये सूखा मैदा है, हल्का सा ऊपर से छिड़क देंगे और फैला देंगे अच्छी तरह से। अब इसको थोड़ा सा उठाना है, ऐसे इसको रोल कर देंगे पूरा वहां तक। थोड़ा टाइट करें इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे अगर ये हिस्सा मोटा लगे ना, तो आप थोड़ा सा बेलन ऐसे चला दें इस तरीके से। बिल्कुल टाइट कर दें इस तरीके से, कर लेंगे। जो लास्ट में ना हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि खुले ना, बस चिपक गया अच्छी तरह से। अब इसमें छोटी छोटी जैसे लोई बनाते हैं उसी तरह से काट लेंगे, हटा लेंगे। अभी से देखो परत कैसे अलग है इस तरीके से। चकला ले लिए, इस पे थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिए, चाहे आप इसी पर बेल सकते हैं। ऐसे रखना है इसको, ऐसे नहीं रखना है। आप देख पा रहे हैं, अगर ये जो लेयर है ना, इसको ऐसे दबाना है इस तरीके से। हल्का सा बेल लेंगे इसको, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। इसको इस तरह से बेल लें, उसके बाद इसको भी काट लेंगे स्क्वायर शेप में चारों तरफ से। अभी स्टफिंग जो बना के तैयार करे थे इसमें हम डाल देंगे। 2 चम्मच डालेंगे, इतना डालेंगे निकल लेना। स्टफिंग को अंदर करेंगे और साइड में लाकर अच्छी तरह से इसे दबा देंगे ताकि ये निकले ना। थोड़ा सा पानी लगा दे रहे हैं ना, अच्छी तरह से ये चिपक जाएगी। इसे बढ़िया से चिपका दें, नहीं तो आप डीप फ्राई करेंगे तो खुल जाएगा। अगर इसे बेक करते हो तो खुलने का कोई डर नहीं रहता है। इसी तरीके से हम बना के तैयार कर लेंगे जितना बचा है। आप चाहें तो इसको उसी तरीके से बेल के और ऐसे इसको भी काट लेंगे, स्टफिंग डाल देंगे। हल्का सा पानी लगा दे रहे हैं। उसी तरह से इसे ऐसे मोड़ेंगे इस तरीके से। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे
बंद कर दें, नहीं तो खुल जाएगा। जैसे पसंद हो आप उसी तरह से बना लें। अब इसे तल के तैयार करेंगे। तेल गरम हो चुका है। तेल गरम होने के बाद गैस है लो टू मीडियम के बीच में रखें, नहीं तो ये जल्दी से इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, अंदर पकेगा नहीं। बिल्कुल समोसे की तरह इसे तलना है, बिल्कुल मंदी आंच पर इसी तरह से पकने देंगे। नीचे से जब थोड़ा सिक जाएगा तो पलट देंगे। इसी तरह से इसे एकदम बिल्कुल मंदी आंच पे पकने दें और जब हल्का सा नीचे से सिक जाए तो इस तरह से पलट दें। दोनों तरफ से इसे हम सेंक लेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक ऐसे ही लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। इसमें लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। मंदी आंच पर पकने पर इसकी लेयर भी खुल जाती है और बिल्कुल कुरकुरा होता है ये। कुछ सेकंड कढ़ाई में रोकेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। सेम तरीके से सारे डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। पेटी तल के तैयार कर लिए। इसकी लेयर देखें कितनी अच्छी तरह से अलग हुई है। इस तरीके से बिल्कुल एक कुरकुरी बनी है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और लेयर सब अलग है। जब आप एकदम लो फ्लेम पर तलेंगे तो सबका लेयर एकदम अलग हो जाएगा। कितना कुरकुरी हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखें बिल्कुल सारी लेयर अलग हैं। ये देखें, आप अपनी मनपसंद चटनी लें और खाएं। ये इमली के और खजूर की चटनी है, ये हरे धनिया की चटनी है। आपको जो चटनी पसंद हो उसी के साथ खाएं। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और ये बहुत कुरकुरा होता है खाने में। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो हमारी लेटेस्ट रेसिपी के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।